मैं एकदम मस्ती में रहता हूँ। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये हवा है जब छूक के निकलती है ना, तब एक अंदर से ताजगी आ जाती है। लगता है कि हम वहाँ आ गए हैं जहाँ हमें पहले ही आ जाना चाहिए था। उस जगह से जाने का मन नहीं करता है। और ये लहरें हमें कहती है कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए लेकिन सफ़र जारी रखो, और जहाँ भी तुम हो, जो भी तुम हो, कुछ जो भी तुम करना चाहते हो, वो बस उसका सफ़र जारी रखो। यहाँ तक आने के बाद मुझे ये बात तो पता चल गई थी कि ये जगह भले ही हमने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली यहाँ तक आने के लिए, लेकिन फिर वसूल थे क्योंकि हमने बहुत मज़े किए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अनस्क्रिप्टेड और अनप्लान्ड ट्रिप थी, जिसमें हम सिर्फ 3 लोग गए थे और हम 3 दोस्त वहाँ पे जाके बहुत मज़ा किया। और यहाँ से पूरा ये जो आप देख रहे हो, ये सारा रण है और इसमें पानी भरा हुआ है एकदम से, मतलब मस्त चीज़ है। इसीलिए तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मेरे पीछे पूरे का पूरा रण है, जो है पूरे का पूरा ना, मतलब खारे पानी का रण है गाइस, इतना अमेजिंग रण है ना। और ये ना रवेची, मतलब जो रापर गांव है उसके पास में ही रवेची का टेंपल है ना, उसके पास में है। तो मतलब एकदम झक्का से यार, देखो आप लोग ही, एक नंबर जगह है, एक नंबर। इधर जैसे नहर जा रही है, पीछे भी एकदम हो रखा है गाइस। ऐसी जगह है ना, ऐसी जगह पे आने का ना बहुत ही अलग ही मज़ा होता है। जैसे हम करते हैं वैसे आप भी आ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा मज़ा आया, नहीं आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।